नमस्कार अपराह्न प्राइम को स्वागत करीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर केन्द्र कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ऑटो सेक्टर पर बड़ घोषणा सेक्टर पर पीएलआई योजना को मिला मंजूरी पांच वर्ष पर मिल सहायता राशि 750,000 नुआ रोजगार सुजोग चांदीपुर डीआरडीओ रु तथ्य लीक घटना चारि अभियुक्त कोर्ट चालान समस्त अभियुक्त केन्द्र ठिका कर्मचारी देशर आभ्यंतरण सुरक्षा तथ्य विदेशी एजेंट को प्रदान करथवा अभियोग हनी ट्रैप रे पड़ी शत्रु को देउतले गुप्त तथ्य देशर सबुठ कम हाराहारी मासिक आय तालिकार ओडिशा द्वितीय चाषी ऋणग्रस्त षष्ठ स्थान राज्य केन्द्र परिसंख्यन और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट खोलीदेला ओडिशा चाषी बास्तव स्थिति बन्या आशंकर कलबल होता राज्यवासी को आश्वस्ति राज्य में ना बन्या आशंका गत 24 घंटे राज्य में बर्षार परिमाण कमी नदी मान जलपतन स्थिर रही सूचना दे जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री धीरेन सामल वर्षा पर सात नदी में बढ़ुच्च जलस्तर विपद संकेत पर ब्राह्मणी और जलका जाजपुर मटियापड़े दुईट घाई आणला विपद हीराकुद्र खोलला आउ 6 गेट दुर्गापूजा मूर्ति बिवाद को नहीं डीएमईटी बयान कहले उच्चता बढ़िले स्थापन और स्थानातर में दरकार हे अधिक लोक सेपटे निष्पत्ति बदल आमरण अनशन कर 40 सामाजिक संगठन राज्य सरकार को अवहेला दुष्मंत मृत्यु कैपिटाल कटक नेक ही दायी पाखर घर हस्पिटाल कहीं निगलानी प्रश्न उठाला बीजेपी विजु स्वास्थ्य कल्याण योजन बंटा जा कार्ड एवं पलटि पुसिंग कार्ड डीआरडीओ रो चारि ठिका कर्मचारी गिरफ घटना समस्त अभियुक्त को कोर्ट चालान करा जाय छे माने हनी ट्रैप रे पड़ी शत्रु को देउतले गुप्त तथ्य केवल टंका पाई नुहे हनी ट्रैप रे पड़ी देशर प्रतिरक्षा संपर्कित गुप्त तथ्य जोगाई देउतले गिरफदारी परे एभली किछि सांघातिक तथ्य सामना को आसुछि चारि ठिका कर्मचारी जने पाकिस्तानी महिला सहित जोगाजोग रे थिले हनी ट्रैप रे पड़ी शत्रु पक्ष सहित हात मिलाइथिबा कह जाउछि महिला प्रेम में पड़ गुप्त तथ्य देते एपरिक महिला आकाउंट्रु से निकट को टंका आसुवा प्रमाण रही कहुच्छे बालेश्वर चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर तीन नंबर लंच पैड में काम कर चारजण को गिरफ्त कर गिरफ अभियुक्त मैंने विदेशी संस्था और पाकिस्तानी एजेंट सहित फोन कल मध्यम लिंक में रही तथ्य प्रकट कर आशंका कर अभियुक्त मैंने झांपुरा अंचल बसंत बेहरा जिकि एसी अपरेटर भाव कार्य करतेपरी बुआण अंचल हेमंत मिस्त्री डीजी अपरेटर भाव कार्य करते तापस नायक नामक अभियुक्त घर पलसी अंचल होता बेले से आईटीआर गेट्रे काम करते श्रीकोणा अंचल शेख मुसाफिर एसी अपरेटर भाव काम करते संपर्क अधिक सूचना पाई रही हम प्रतिनिधि प्रकाश महांति प्रकाश चारिजण को गिरफ्त करागला किंतु गोटे कथा सामना को आसुची कि जो चारिजण भितर जड़े जी गिरफ्त होती से बारंबार कहते कि जी काम करछी छाड़ीदे आमको बिना दोष से गिरफ्त कर मोर कौन प्रकार भूल नहीं किसी भी भूल करनी तो ये जो चारिजण को गिरफ्त करागला कोर्ट तो फरवर्ड करागला कि बयान भी बेस गुरुत्व रखुचे देखो बर्तमान चित्र देखा चाहिए एसडीजेएम को कोर्ट परिसर चित्र आप जानते हैं ये जो चारज अभियुक्त क्या कह जाए कि बसंत बेहरा और हेमंत मिस्त्री सहित जो कथा जो तापस नायक एसके मुसाफिर जो कथा कह चारज को आज जो ये देशद्रोह मामलें से आज कोर्ट चालाण कर बर्तमान आम अच्छे एस डी जेएम कोर्ट परिसर जो कथा कहते कि कहते कि ये घटना जो मैंने संपृक्त अच्छा से सेमानंकु फसई दिखे और प्रकृत जो अभियुक्त से ना कि आप जानते हैं नीलीमा जिते बड़े जन अभियुक्त को गिरफ्त करा जाए तो से विभिन्न प्रकार आल देखाई था कि आम गोटे कथा कहीपर जेहेतु एटा सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो सूत्र अच्छी खबर अच्छी सूचना अच्छी ये घटन एमाने संप्रक्त पूरा अच्छा जहाँ बर्तमान गोटे प्रकार स्पष्ट होना आप जानते हैं गत काली पांच जन को मैंने अटक रखा जाता और परवर्त समय प्रकाश बेहरा नामक पिलाटी को छाड़ दी जाइए व्यक्ति कोवर्त समय ये जो बसंत बेहरा हेमंत मिस्त्री तापस नायक एसके मुसाफिर ये चारजण ना पूरा सामना को आसला और से गिरफ्त करागला आज ये किसी समय पर जेहतु पुलिस बर्तमान ये चारि अभियुक्त डाक्तरी मैना कला और समस्त कागजपत्र दस्तावेज समस्त संपूर्ण कला बर्तमान से जो
एडीजेएम को अदालत अच्छी कोर्ट अच्छी ये कोर्ट परिसर को अणाजी आप जानते विभिन्न जो दिग रही आम कहुपर कि देशर देशद्रोह मामला एम विरुद्ध लगी सहित जो कथा कहुच्छ कि एमने हनी ट्राप्र शिकार होकर मानने अर्थ एवं जो चाकरी ये लोभ मध्य जो हनी ट्राप्र जो पाकिस्तानी महिला लिंक कथा कहुच्छ ये सब थिला किंतु कथा हूँ जे प्रथम जे हनी ट्राप्र शिकार होते से प्रथम व्यक्ति जनक किए एवं ता परवर्त समय किमी आसिले एवं कौन कौन सब जो आमर आभ्यंतरण सुरक्षार जो तथ्य रही से कौन कौन सब तथ्य प्रदान करा किंतु जहाँ शुणापी मिलूँ किंतु प्रतिरक्षा विभाग पक्ष स्पष्ट नुहे कि शुणापी मिलूँ जे कि चांदीपुर क्षेपणास्त्र परीक्षण केन्द्र जो जो मिजाइल सब या तार परीक्षण केवे तार रेज के केत दूरता पर्यटन तार लक्ष्य क्षमता करपर एवं केवे परीक्षा हम ए किए सामिल होती प्रश्न कि जो कार्य करते जड़े एसी अपरेटर रहा जड़े डीजी अपरेटर आज जो गेट रे काम करता तो इमानको आउ किए तथ्य दूसरा कारण इमानकर जो कम एने तो एत गुड तथ्य एका सांगे के हासिल करें कारण देखो तो सबकि सुरक्षा जोन भीतर रही डीआरडीओ रे तो इमानको कौन आउ किए तथ्य देउतिला कि से दिगरे किसी तदंत जा देखते निश्चित भाव नीलिमा देखते गोटे कथ हूँ जो हनी ट्राप्र शिकार है से प्रथम एम चाकर प्रलोभन देखे अर्थात एम समस्त शिक्षागत योग्यता ह्वाट्सअप मध्यम से जो महिला जन कथ कहुच्छी जे जन पाकिस्तान एजेंट बोली कहुच्छ आईएसआई रो सी प्रथम एक शिक्षागत योग्यता कथ जाना और परवर्त समय जिते विभिन्न जो प्रेम जाल फसईला तो परवर्त समय भिडियो कलिंग ह्वाट्सअप कलिंग इंटरनेशनाल आईएसडी कलिंग जो होता से कलिंग मध्यम ये विभिन्न प्रलोभन देखे और शिक्षागत योग्यता जानता परवर्त समय समस्त विस्तृत आलोचना पर जाना चाहते कि प्रकृत में कार शिक्षागत योग्यता के किए कौन डाटा दीपर यह भाव जो हनी ट्राप करवर्त समय विभिन्न तथ्य सामने मागिथ जहाँ बर्तमान जो तदंतकारी जो अधिकारी मैंने अच्छा कैमेरा आगे कौन तथ्य नदेले जहाँ आलोचना हो सब प्रकार तथ्य देते केवे कौन होता विभिन्न जगह जो रही जो जमी एसी सब जगार चांदीपुर आई टी आर कथ कहूँ डीआरडीओ कथ एसी सब जगह रही है कन्फरेन्स हल कथ आरंभ कर जो गुरुत्वपूर्ण बैठक बटे से रही तो एमाने से एसी ऑपरेटर भाव में डीजी ऑपरेटर भाव में गेट रे कार्य करुवा ये समस्ते ये चारि जन कथा कहवा आम बसंत बेहरा हेमंत मिस्त्री तापस नायक एसके मुसाफिर ये समस्त जहाँ आम जन गिरफ्त कर तथ्य लिक करो तथ्य सुरक्षा सम्बन्धी तथ्य लिक करते निश्चित भाव में तदंत पर ही प्रकृत घटना सामना को आसो कि चारि अभियुक्त को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करतीनिधि सूचना देखते धन्यवाद प्रकाश रेखा प्रतिनिधि प्रकाश महांति आज अपरती खबर को ऑटो एवं टेलीकॉम उद्योग पर केन्द्र बड़ घोषणा कैबिनेट बैठक पर केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर बड़ घोषणा करते केन्द्र कैबिनेट ऑटोमोबाइल सेक्टर पर प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना को मंजूरी प्रदान करते योजन ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन उद्योग को सामिल करोजना आसंता पांच वर्ष कार्य कर 25,938 कोटी टंका मंजूरी प्रदान करद्वारा बाहन उत्पादन सहित हाइड्रोजन फ्यूल गाड़ी उत्पादन वृद्धि पाव यह सहित 7,60,000 रोजगार सृष्टि संभावना रही है। सेपरी टेलीकॉम सेक्टर पर बड़ रिहाती प्रदान करते सरकार टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़ मौलिक संशोधन करजीआर बकेयर परिभाषा परिवर्तन होछि टेलीकॉम सेक्टर मासिक सुध हार को एणिकी वार्षिक करा सहित पेनल्टी रे मध्य रियायती प्रदान करा जाय छि सेपरि स्पेक्ट्रम रो अवधि मध्य 20 रु बढ़ाई 30 वर्ष करा जाय छि टेलीकॉम कंपनी एणिकी बकेया पई मोरेटोरियम नै परिबे यहा सहित 4 वर्ष पर्यंत दिया जिवो जिओ टेलीकॉम कंपनी ई विकल्प बाछिबे सेमानको एति पई सरकार को सुध देबाकू पड़िबो। चयनित चैंपियन ऑटो कंपनी जो है उनको 5 वर्ष में कम से कम 2000 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए का होगा। ऑटो कंपोनेंट के क्षेत्र में चयनित कंपनियां जो हैं चैंपियन कंपनियां जो हैं उनको 5 वर्ष में 250 करोड़ का तथा नए इन्वेस्टर को 500 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। अब चयनित कंपनियों को उनके द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट की बिक्री में वृद्धि की वैल्यू का एक निर्धारित प्रतिशत इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा और ये इंसेंटिव 5 वर्ष तक मिलेगा। टेलीकॉम सेक्टर में आज 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अप्रूव हुए हैं कैबिनेट में और 5 प्रोसेस रिफॉर्म्स अप्रूव हुए हैं। ये रिफॉर्म्स पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर के फ्रेमवर्क को चेंज करने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को डीपन करने वाले, इस इंडस्ट्री को ब्रॉडन करने वाले हैं
नई टेक्नोलॉजी से आप सबकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में जो चेंज आए, एक क्वालिटेटिव चेंज आए, उस क्वालिटेटिव चेंज के लिए। राज्यर 47 ब्लॉक रे 100 मिलीमीटर रु 200 मिलीमीटर वर्षा होची। ब्राह्मणी बैतरणी बुढ़ाबलंक जलस्तर ह्रास होउची। सुवर्णरेखा नदी राजघाट ठारे जलस्तर वृद्धि पाउची। प्रबल वृष्टिपात जोगु जलभंडार गुड़िकर जलस्तर सामान्य वृद्धि पाइची। तेबे 21 जिले में वृष्टिपात परिलक्षित होइची। वृष्टिपात जोगु 126 ब्लॉक रो 4134 ग्राम 29 पौर परिषद प्रभावित होइची। प्राय 2,48,000 लोक प्रभावित होइछन्ती। प्राथमिक आकलन अनुसार 3,839 बासगृह क्षतिग्रस्त होइची। प्राय 1,22,458 हेक्टर चाष जमी जलमग्न होती। जारका जलसेचन डिजन ब्राह्मणी नदी में 3 घाई होती। खोर्धा जलसेचन डिजन टांगी ब्लक करीपड़ाठे कुसुमिथा नदी दक्षिण पार्श्व 30 मीटर घाई होती। सेपरी केन्द्रापड़ा जिले में 2 व्यक्ति कांथ पड़ी। खोर्धार जड़े पा बुड़ी। गंजाम जड़े 3 वर्ष शिशु कांथ पड़ी मृत्युवरण कर सूचना देखते एसआरसी। आमे जल संपद विभाग प्रमुख सचिव तांकर सर्वोच्च जंत्री एवं मुख्य जंत्री हीराकूद बन्या नियंत्रण जो मुख्य जंत्री अच्छा समस्ते आलोचना करी निष्पत्ति नहीं जलस्तर को सही 628 पाखापाखि रखा अधिक बढ़ेगा ना तेणु ताक आवश्यक पड़े से अनुसार अधिक गेट खोल वर्तमान पर्यंत वर्तमान मंडली 6,40,000 घन फुट पा प्रवाहित होती सेकंड प्रति एवं खैरमाल वर्तमान 4,70,000 क्यूसेक फ्लड फ्लो अच्छी। तेल नदी में जलस्तर कमार लगी तेणु आखिरी रखि जल संपद विभाग आकलन जे आमे अधिक गेट खोलें भी मुंडुली ठारे जलस्तर को जल प्रवाह को 7,00,000 क्यूसेक भितर रखा जा पार 7,00,000 क्यूसेक रु सामान्य अधिक हो पारे तेणु से धरणर गोटे लो मीडियम फ्लड्र पास कराइप जल संपद विभाग समस्त प्रकार प्रचेषा जारी रखी आशा करूँ यादारा तलिया अंचल अति भीषण परिस्थिति सेमती किसी सृष्टि हम ना। हीराकूद डैम रो आउ 6 गेट खोली। उपर मुंड रे प्रबल वर्षा जो आउ 6 गेट खोल जाइए या मिसाई मोट 8 गेट खोली। आज दिन 10 हीराकूद रो 6 गेट खोल जाइए। डैम रो जलपथ नियंत्रण करने को 6 गेट खोल जाइए। गतकाली उपर मुंड रे प्रबल वर्षा होवारु डैम रो जलपथन वृद्धि पाई यापर पर्यायक्रमे गेट खोल जाउछि। हीराकूद डैम रो जलधारणा क्षमता 630 फुट रही। आज सकाल 9 सुधा हीराकूद जलभंडार जलस्तर 628.10 फुट रही सूचना मिली। ए संपर्क में अधिक सूचना पाई रही बुलारू आम प्रतिनिधि ज्योति नंद। ज्योति जहाँ सूचना रही वर्तमान 12 गेट खोल जाइए कारण देखो 630 फुट जो रही हीराकूद जलभंडार जलधारणा क्षमता से 628.10 मीटर रही वर्तमान जल तो आउ किसी गेट खोल संभावना रही कि सूचना मिल पार कि डैम कर्तृपक्ष पक्षर देखते लीमा मुझ बर्तमान अच्छी हीराकूद जलभंडार जे मुख्य जंत्री अच्छा श्री युक्त आनंद चंद्र साहू अच्छा मो सहित सीधा सीधा जोड़ी होती सीधा तरफ पचार आज सकाल समय 12 गेट निष्कासन होता बर्तमान आउ 6 गेट खोल सर्वमोट 8 गेट जल निष्कासन कराऊँ मुझ सीधा सख सहित आलोचना करी बर्तमान परिस्थिति कौन रही है केमी मैंने आते गेट खोल कौन रही सर मुझे गोटे विषय पचार बर्तमान उपरमोट परिस्थिति कौन रही है बर्तमान के मैं जल प्रवेश कर पदकेप नि दुईटा तीनटा और चारिटा ए तीन घंटा अंतर रे हीराकूद जलभंडार स्तर रही 628.33 फुट तो वर्तमान उपरमंडल जो जल प्रवेश करुची ता प्राय 2,94,000 क्यूसेक जल प्रवेश करुची पाखापाखि समपरिमाण जल को आम 18 गेट मध्यम निष्कासित करुचु कहीं आमको अराउंड 628 फुट जल रखा पड़ो किंतु आमर CWC जो फोरकास्ट कर आगामी 24 घंटा भितर पखापाखि 3,88,000 क्यूसेक जल आसवर संभावना अच्छी दृष्टि रखि आम जल भंडार जल प्रवाह को नियंत्रण करोलान आमर लेफ्ट स्पिलवे 12 एवं राइट स्पिलवे 6 स्लुइस गेट खोलाई ऊपर मुंड जो अधिक वर्षा हुए आगे किसी अधिक गेट खोला किसी संभावना रही
ଯଦି ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ର ସବୁ ପରାମର୍ଶରେ ଆମେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲେ ତଳମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କିଛି ବନ୍ୟା ଅଭାବ ନା? ତଳମୁଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ବନ୍ୟା ଜଳ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଏଠି ଗେଟ୍ ଅପରେସନ୍ କରିବୁ। ଏବଂ ଲିମା ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯିଏ ଥିଲେ ମୋ ସହିତ ହୀରାକୁଦ ଜଳମଣ୍ଡଳ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଇପାରିବା କି ଯେତିକି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି ତ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସମ୍ଭାବନା ବର୍ଷା ବଢ଼େ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ତାହେଲେ ଗେଟ୍ ଯଦି ଖୋଲାଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇପାରିବା ଆମେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଲମା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସିଧା ସଡ଼କ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କି ଯଦି ସାର୍ ଯଦି ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ବୁଝୁଛୁ ମାନେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ହେବା ଆଶଙ୍କା କିଛି ରହିଛି କି? ନା ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ 628 ଫୁଟ ଲେବେଲ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଆଉ 2 ଫୁଟର କୁସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସେ ଆମ ପାଖରେ ତ କାଲକୁଲେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତାକୁ ଆମେ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ତଳ ସ୍ତର ତଳକୁ ତଳମୁଣ୍ଡର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଜଳ ଆମେ ନିଷ୍କାସନ କରିବୁ। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲୋ ଆଉଟଫ୍ଲୋ କେତେ ରହୁଛି, କେତେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କେତେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି, ଜ୍ୟୋତିଟି ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଜଳ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଆଉ କେତେ ଜଳ ମାନେ ଆଉଟପୁଟ ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର 294,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ 293,000 ଜଳ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ସ୍ଲୁଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖୁଥିଲେ ନା ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଯଦି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସେଭଳି ଭାବରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଟୋଟାଲି ରାଇଟ୍ ସ୍ପିଲ୍ରେ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ସ୍ପିଲ୍ରେ ଟୋଟାଲି ମୋଟ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି 12, ଏ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବର୍ଷା ବଢ଼େ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ବା ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଯାହା ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ନଦୀରେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇନି, ତେଣୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ ସାମଲ। ବୈତରଣୀ, ଆଖୁଆପଦା, ଚେନାପୁର, ଇନ୍ଦୁପୁର, ମଥାନୀରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଖୁଆପଡ଼ାରେ ବି ଜଳସ୍ତର କମୁଛି। ଜଳକାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଥିଲେ ବି ବିପଦ ନାହିଁ, କାରଣ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ତେବେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି, ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉନଥିବାରୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ହୀରାକୁଦରେ ଗତକାଲି 6 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲା, ଆଜି 6 ଖୋଲିଛି, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦରେ 628.3 ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି। ହୀରାକୁଦକୁ 298,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। 12 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ପରେ 230,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ 5,54,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 6,40,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। 12 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ 7 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଭିତରେ ଜଳ ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ତେବେ ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ବିପଦ ସଙ୍କେତକୁ ଯାଇଛି, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରକୁ ଚାଲିଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେସବୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ କମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଜଳସ୍ତର କମି ଚାଲିଛି, ଆଖୁଆପଦାରେ ଜଳସ୍ତର ବି କମି ଚାଲିଛି, ସ୍ଥିର ରହିକି କମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଜଳକା ତ ଟିକେ ତଳ ଏରିଆ ସେଠି ରହୁଛି ବିପଦ ସଙ୍କେତରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଯଦିଓ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଅଛି, ଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ତଳ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ହୋଇଛି, ତଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଛି ବା ଜଳ ଯାଇଛି, ଏସବୁ କେବଳ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ଯେଉଁ ନଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି ପାଣି ଅଛି ତଳ ଏରିଆରେ। ନହେଲେ ବନ୍ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁଠି ସେମିତି ବନ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ, ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ବା ଯେମିତି ବନ୍ୟା ହୁଏ ନଦୀବନ୍ଧ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେହି ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା କେଉଁଠି ହୋଇନାହିଁ।
पुरी रे छाड़ी वर्षा बढ़ी दुर्दशा। लघुचाप जो पुरी रे प्रबल वर्षा होता बेले वर्षा छाड़ा पर लोकों दुर्दशा बढ़ी दुई दिन हो वर्षा कमी ही लोकों समस्या कमी ना। जलबंदी घेर में एवं भी बलियापंडा विजयनगर धोबाखाल अंचल रखे एटी 3-4 फुट पा जमी रही फल लोकों जातायात समस्या सृष्टि होती। घरे आंठु उचर पा आसवापत्र सब पाने भाषुच्छ छात्र छात्री बही भी वर्षा भिजि नष्ट हो जाए। प्रशासन पक्ष तुरंत से रंधा खाद्य सहित विद्युत और पिला पाठ्यपुस्तक व्यवस्था करा नगले से बाध रास्तारो करेंगे बोली कहते। पुरी सहर में पौरपाड़िकार तीनटी और अग्निशम बाहिनी पक्ष 7 पानी पंप लग जा जलबंदी अवस्था थिबा अनेक अंचल प्रशासन मोटर पंप लगे जल निष्कासन करथुवा बेले आज संध्या सुधा विजयनगर धोबाखाल बस्ती में रंधा खाद्य पहुंचबो बोली पौरपाड़िका कार्यनिर्वाही अधिकारी कहते। तीन दिन है आम घर मानक पशिगला आम बहुत असुविधा अच्छू मेडिकल लोक भी पड़े साप बेग ये है घर कौ लाइट जो ये ना कि औषध ना कि बिस्कुट पकेटे भी ना आमको प्रशासन पार्क आणिक मान जो रखिंट इमती आमको 4-4 थर घर भांगिकी आणिक रखिंट इमी मानते भल रखिंटे धन्यवाद नदे रही पार्न प्रशासन जब आमको टी विष दे था खाया भी बहुत भल होता आम बहुत कष्ट पिला छुआ को नहीं कि गत जो वर्षा है रेनफल है गोटे दिन में 342 mm वर्षा होगी गोटे बहुत परिमाणर वर्षा आटे टाइम होमर पुरी सहर जो सब अंचल अच्छी बलियापंडा हो कि जगन्नाथ बस्ती हो कि रामचंडी बालिकुदा हो धोबाखाल हो सब अंचल तलिया अंचल लो लाइन एरिया तेणुक ऊपर अंचल पाटा बोहिक आसिक जमा होमें एपर्त 5 मोटर लगे आमर फायर स्टेशन तरफ आउ म्युनिसिपालिटी तरफ 4 मोटर पंप लग जा। 4 दिन थी लगाण वर्षा जो घर पड़ जनकर मृत्यु। मयूरभंज जिला सारसकणा ब्लक अंतर्गत धांगुड़ीशूल ग्राम पंचायत असनसोल ग्राम में घटी अभावनीय घटना। मृतक होती राम सिंह निज चाल घरे गतकाली रात शोवा बेले राति प्राय 12:39 समय लगाण वर्षा जो घर भांगी जाए रामों पर पड़ जाता फल घटनास्थल में मृत्यु होता जमापड़ी। चाकरी को नियमित दाबी करी पुरी जिला कला क्रीड़ा संघ पक्ष आज जिलापा कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन। गत 8 वर्ष धरी से पुरी जिलार विभिन्न उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्य करसक 24 क्लास ने दैनिक 6 घंटा श्रमदान करते। केवल से नुहे राज्य सरकार से निर्वाचन ड्यूटी समेत विभिन्न प्राकृतिक विपर्य कार्य नियोजित करते कि मिलू मात्र 5400 टंका तेणु वेतन वृद्धि सहित चाकरी को स्थायी करने संघ पक्ष दावी हो। आज आसीचु पुरी जिलार कला क्रीड़ा शिक्षक संघर सब भाई भी मैंने आम दाबी रखीचु जे 8 वर्ष है आमको पोस्टिंग दि जाइए आम आमर जो उच्च प्राथमिक स्कूल मानक आमको पोस्टिंग दि जाइए कि दुखर विषय आमको बहुत स्वल्प दरमार 8 वर्ष होगा से खटौं जोटा कि एकदम मान कम गोटे साधारण पर चल असंभव कहीं गोटे मजूरी दिन को बर्तमान 350 टंका पाता बेले आम मसिक 5,552 टंका पाँच 5,000 टंका समथिंग पाँच ये जो पेंडामिक पीरियड रे आमको 5 मास 6 मास धरी दरमा मिले ना दरमा पाई भी मतलब आम बारंबार बीओ ऑफिस को दौड़ाक पड़े डीपीस को दौड़ाक पड़े तापर मत मिलवानी। दीर्घ 8 वर्ष होगा आम चाकरी गलानु सब सब टीचर भरी आम रेगुला स्कूल जाऊँ स्कूल प्रत्येक कम करेड पर्यटन तथापि आम पारिश्रमिक 5,452 टंका मिलूँ परिवार पोषण करूँ आम कमी परिवार पोषण करूँ एत कम दुनिया एथप्रति गवर्नमेंट टे कर्णपात करा दरकार कुंभकर्ण निधर शोपड़ी गवर्नमेंट ताको आम कह चाहू आम अभोग आम आपत्ति टी से ग्रहण करूँ समय बुलेटिन को रखा नमस्कार।